आजकल का लाइफस्टाइल काफी बदल गया है, खासकर कोविड के बाद से तो ज्यादा घरों पर बैठकर लैपटॉप पर काम करना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटीज तो जैसे नामात्र की भी नहीं रह गई, बैठे बैठे पूरे दिन लैपटॉप के सामने बस काम काम और काम। हाँ, बीच बीच में कुछ स्नैक्स, चाय, कॉफी, ये सब भी चलता रहता है, लेकिन क्या आप इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देख पा रहे हैं? जिसमें से एक है मोटापा, ओबेसिटी। जो एक बार बढ़ गया ना, तो हमारा यकीन मानिए, इसको फिर से उसी नंबर पर लाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। मुश्किल भी तो उतना ही है ना। ऐसा नहीं है कि आपके किसी फ्रेंड ने किसी एक डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवा लिया, आपके फ्रेंड ने उस डाइट चार्ट को फॉलो कर अपना वेट लूज भी कर लिया, लेकिन सेम डाइट चार्ट से आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हुआ है आपके साथ ऐसा? जरूर हुआ होगा। अरे, आपकी बॉडी अलग है और आपके फ्रेंड की अलग। आपकी बॉडी में बहने वाला खून बीमारियों और उसके उपचार की संभावनाओं को प्रभावित करता है, इसी तरह से आपके फ्रेंड के शरीर में अलग तरह से ये प्रभावित करता है। ज्यादातर व्यक्तियों में 8 प्रकार के रक्त समूह देखे जाते हैं, जिनके अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। कई स्टडीज में तो ब्लड टाइप को हृदय रोग के जोखिम से भी जोड़ा गया है। ब्लड ग्रुप ए, बी और एबी में हार्ट डिसीज का खतरा ज्यादा होता है। कुछ स्टडीज ऐसी भी होती हैं जो बताती हैं कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। इसी कड़ी में कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक दावा करते हैं कि ब्लड ग्रुप के आधार पर आहार लेने से वजन घटाने जैसे कई फायदे भी मिल सकते। तो चलिए आज आपके ब्लड ग्रुप टाइप के अनुसार समझते हैं कि वजन घटाने के लिए आपको कैसे भोजन लेना चाहिए। ब्लड टाइप ए, टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मांस उत्पादों से बचना चाहिए और फल और सब्जियां, बीन्स और फलियां और साबुत अनाज ज्यादा खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों का इम्यून सिस्टम अधिक संवेदनशील होता है। इसके साथ ही वेट लॉस के लिए भी सी फूड, सब्जियां, अनानास, जैतून का तेल और सोया सबसे अच्छा आहार आपकी कैटेगरी के लिए हो सकता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स, गेहूं, मक्का और राजमा से बचकर रहना चाहिए। ब्लड टाइप बी, टाइप बी वाले लोगों को वैरायटी वाले डाइट का चुनाव करना चाहिए, जैसे मीट, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड और अनाज शामिल करना चाहिए। वजन कम करने के लिए टाइप बी व्यक्तियों को हरी सब्जियां, अंडे, लीवर और लिकोराइस चाय लेनी चाहिए, लेकिन चिकन, मक्का, मूंगफली और गेहूं से बचना चाहिए। ब्लड टाइप एबी, एबी ब्लड टाइप वालों को डेयरी प्रोडक्ट्स, टोफू, मछली, अनाज, फल और सब्जियां खानी चाहिए। वजन घटाने के लिए टोफू, सी फूड, हरी सब्जियां और केल्प सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन चिकन, मक्का और राजमा खाने से बचना चाहिए। ब्लड टाइप ओ, ओ ब्लड टाइप वालों को उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। ऐसे में इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मांस, सब्जियां, मछली और फल ज्यादा खाना चाहिए और अनाज, बीन्स और फलियों का सेवन सीमित रखना चाहिए। वजन कम करने के लिए सी फूड, केल्प, रेड मीट, ब्रोकली, पालक और ऑलिव ऑयल बेस्ट है, लेकिन गेहूं, मक्का और डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए। ये डीएडबो की ब्लड टाइप थ्योरी स्वस्थ और अनप्रोसेस्ड फूड और व्यक्ति के पाचन की शक्ति पर केंद्रित है। स्वस्थ रहते हुए ये वजन घटाने के लिए प्रेरित करती है। और फिर साल 2014 में हुई एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि ब्लड टाइप डाइट को फॉलो करने वालों में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में सुधार भी हुआ है। आप भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की देखरेख में ये थ्योरी अपने जीवन पर लागू करके देख सकते हैं। वैसे कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।